इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर को स्टडी किया था और उसकी एक एग्जांपल को देखा था। लेट्स सी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर सी में किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाई वन एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाई वन इन सी प्रोग्राम। इंक्रीज और डिक्रीज वेरिएबल की वैल्यू बाई वन अगर आपने करनी हो तो सी में इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है और डिक्रीज के लिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है। तो डबल प्लस साइन जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है और डबल माइनस साइन जो है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। बोथ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूनरी ऑपरेटर, इट्स मीन दे वर्क ऑन ए सिंगल ऑपरेंड। तो ऑपरेंड क्या होते हैं ये हम जो है प्रीवियस वीडियोस में डिफाइन कर चुके हैं कि ऑपरेंड जो है बेसिकली जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए, जिनके ऊपर ऑपरेटर जो है कोई ऑपरेशन या वर्क करें उनको हम ऑपरेंड कहते हैं। ऑपरेंड जो है वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर। तो बेसिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर हैं, ऐसे ऑपरेटर जिनको जिनके लिए एक ऑपरेंड रिक्वायर्ड होता है, और एक होता है हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर जिनके लिए हमारे पास दो ऑपरेंड रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये बेसिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है दैट इज़ यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर हैव हायर प्रायोरिटी देन द अदर ऑपरेटर्स, इट्स मीन यूनरी ऑपरेटर एक्सिक्यूट बिफोर अदर द ऑपरेटर्स। तो हमारे पास अगर एक एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन में हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर हैं और यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स दोनों हैं, तो उस एक्सप्रेशन में सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर जो है वो एवेलुएट होगा, वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद दूसरे ऑपरेटर यानी कि बाइनरी ऑपरेटर जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो यूनरी ऑपरेटर है, इट्स मीन किसी एक्सप्रेशन के अंदर मैथमेटिक्स या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर जो है आपके पास अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ हुआ है तो दैट विल एग्जीक्यूट बिफोर देन अदर ऑपरेटर्स, इट्स मीन के बाइनरी ऑपरेटर से पहले जो है वो आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो एग्जीक्यूट होगा, कंपाइलर इसको पहले एग्जीक्यूट करेगा। इसका सिंटेक्स जो है यूज़ करने के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर को आप डबल प्लस साइन के साथ वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई करेंगे या फिर आप वेरिएबल का नाम पहले स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर को स्पेसिफाई करेंगे यानी कि डबल प्लस साइन। और इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर को अगर आपने यूज़ करना है तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर को पहले स्पेसिफाई करेंगे और वेरिएबल का नाम, या फिर आप पहले वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं और देन आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप इसको वेरिएबल से पहले यूज़ करेंगे तो इसे हम कहेंगे प्रीफिक्स यूज़, और अगर हम इसको वेरिएबल्स के बाद स्पेसिफाई करेंगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देन दैट विल पोस्टफिक्स। तो बेसिकली हमारे पास अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये एक आई वेरिएबल है जिसको हम वैल्यू इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमने प्रीफिक्स यूज़ किया है, और उसके बाद अगर आपने इसको पोस्टफिक्स के तौर पे यूज़ करना है तो वेरिएबल यानी कि ऑपरेंड स्पेसिफाई करेंगे और देन आप उस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को स्पेसिफाई करेंगे। सेम केस इन डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी है। सो प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स जो है जब आप व्हेन डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इज़ यूज एज ए प्रीफिक्स देन इट विल इंक्रीज और डिक्रीज या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड देन रिटर्न। तो पहले वो जो है अगर आपने प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ किया हुआ है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ऑपरेंड के साथ, तो पहले वो वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा देन वो ऑपरेंड की वैल्यू रिटर्न करेगा। बट व्हेन इफ़ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इज़ यूज एज ए पोस्टफिक्स, फर्स्ट इट विल रिटेन द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड एंड देन इट विल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और अगर आपने इसको जो है पोस्टफिक्स यूज़ किया हुआ है ऑपरेंड के साथ या वेरिएबल के साथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को, पहले वो ऑपरेंड की वैल्यू रिटर्न करेगा देन वो उसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। लेट्स सी कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जब हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया
तो कंपाइलर ने पहली लाइन जो है रीड की और उसने मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया एक्स, और उसके अंदर दो वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज़ की। सो फर्स्ट आपके पास जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर वो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। तो अब जब आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो इस स्टेटमेंट का आउटपुट जो आएगा वो ये होगा कि ये पहले एक्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि हमने प्रीफिक्स यूज़ किया है। इट्स मीन कि एक्स की वैल्यू जो है वो मेमोरी वेरिएबल के अंदर जो है वो 3 हो जाएगी, और फिर उस एक्स की वैल्यू को जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा। तो यूज़र को आउटपुट जो डिस्प्ले होगी फर्स्ट वो 3 डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, कंपाइलर अगली लाइन एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट लाइन को जब एग्जीक्यूट करेगा तो नेक्स्ट लाइन में भी हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखी है, यानी कि एक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो इट्स मीन कि एक्स की वैल्यू पहले प्रिंट होगी, क्योंकि हम पोस्ट फिक्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो आउटपुट जो है वो 3 ही डिस्प्ले होगा यूज़र को। और फिर बाद में हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को स्पेसिफाई किया है, इसका मतलब है कि मेमोरी के अंदर जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी अ 4 वैल्यू होगी। और इसके बाद कंट्रोल एन से कसर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाएगा, और नेक्स्ट लाइन जब कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा तो इट्स मीन के नेक्स्ट लाइन जो है वो प्रिंट एफ की है। और अब जो हमने स्पेसिफाई किया है उसमें हम कंपाइलर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की वैल्यू, अगेन पहले वो एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, और एक्स की वैल्यू जो अभी हमारे पास मेमोरी में अवेलेबल है दैट इज़ 4, यानी कि यूज़र को 4 आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होगा। और उसके बाद हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू को डिक्रीज करे बाय 1 क्वांटिटी। तो इट्स मीन के मेमोरी के अंदर 4 की जगह जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी अ 3। और इसके बाद स्लैश एन से आपकी स्क्रीन के ऊपर, यानी कि आपकी आउटपुट की स्क्रीन जो है एलसीडी या मॉनिटर जो है उस पर आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव होगा, क्योंकि स्लैश एन लिखा है। अब जब कंपाइलर दोबारा नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा, और नेक्स्ट लाइन में जो है हमारे पास हमने अगेन प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखी है। अब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि पहले जो है एक्स की वैल्यू को डिक्रीज करे, इट्स मीन कि एक्स की वैल्यू करंट वैल्यू 3 है, तो 3 इट्स मीन के 3 की जगह उसको 2 कर देगा। तो एक्स की वैल्यू 2 हो गई, और उसके बाद जो ऑपरेंड की वैल्यू वो रिटर्न होनी थी, इट्स मीन के एक्स की वैल्यू जो है 2 वो रिटर्न हुई, और वो स्क्रीन के ऊपर 2 जो है वो प्रिंट हुआ। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी जिसमें हमने देखा कि किस तरह अगर हम प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो कैसे रिटर्न होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर था जिसको हमने स्टडी किया।